Empate. संगीता आगे जाओ, खोल दो पहले। एक नहीं मिला देते हैं। संगीता नहीं है, आंटी है। चलो जाप पर जाते, चलो फिर चलो जा, आंटी करता ही जाई दौड़ के मंदिर में चढ़ाई, एक लोटा जल जाई, एक लोटा जी आ रही है। फिर डार्लिंग जल्दी आ, हम एकदम तैयार है, जानो अब छोटी सी को हम खत्म वाला लोटा दे, तू तानू उसका भंडारा करा बेटा। सूर्य भगवान को डालते हैं? नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं डालते हैं। चलो मैं जल लेके आती हूँ, चलो चल लो बाहर आओ। पूजा करने के बाद मम्मी तैयारी कर रही है मंदिर में पूजा करने के लिए। मंदिर में पूजा करने जाएंगे हम लोग तो सारा कुछ लेके जाना होगा भगवान को चढ़ाने के लिए, तो इत्र, शहद और भी जो चीज़ें हैं, तेल है, सारी चीज़ें मम्मी रुई में डुबो डुबो के उसको रखेंगी लेके जाएंगे, क्योंकि पूरी पूरी शीशी लेके जाना सही नहीं रहेगा, तो मम्मी रुई में डुबो डुबो के सारी चीज़ें रख ले रही ले चलने के लिए। और मिट्टी का दीपक बना ले रहे हैं हम लोग, तो पूरी तैयारी कर ले रही हैं मम्मी, मैं और सावनी अपनी पूजा कर ले रहे हैं। तब तक जब तक मम्मी तैयारी कर रही हैं, हम लोग का चढ़ाने का सामान मम्मी ने अलग कर दिया था। ये हो गई मम्मी की तैयारी, बस तैयारी मम्मी कर रही हैं, हम लोग की पूजा नहीं हुई थी, हम लोग की पूजा कर ले, मम्मी को जाना मंदिर पर जल चढ़ाने, मम्मी तैयारी करके मंदिर पर जल चढ़ा के आएंगी, तो फिर हम लोग चलेंगे पारिजात वृक्ष आंटी के साथ। आंटी आई हुई थी और मैं और सावनी पूजा करने लगे हैं। चलो चलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अजीताज लाइफ। मैं अजीता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजीताज लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले आज सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर माता पार्वती आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपके घर में ढेर सारी खुशियां लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो हम लोगों ने घर में कर लिया पूजा, मम्मी अभी गई हैं मंदिर पे जल चढ़ाने, वहाँ से आएंगी तो हम लोग चलेंगे पारिजात, लेकिन जब मम्मी आएंगी तो मैं और सावनी भी जाएंगे जल चढ़ाने के लिए, फिर जाएंगे पारिजात। तो चलिए चलते हैं आज पारिजात वृक्ष के दर्शन कराते हैं आपको अपने शहर में। यहाँ पर हमारी पूजा सम्पन्न हो चुकी है, मैंने, मम्मी, सावनी ने तीनों ने भगवान को बेलपत्र, धतूरा, ये गेहूं की बाली है और भी बेर है, फूल है, सब कुछ चढ़ा दिया है। और ये दीपक मेरा, सावनी का,
और एक मम्मी का, तीन मिट्टी के दीपक जले हैं और एक जो दीपक रोज जलता है वो जला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ चुकी, भगवान की पूजा हो चुकी है। अब हम लोग पारिजात वृक्ष की तैयारी कर रहे हैं। पारिजात वृक्ष चलेंगे, चलिए आप भी चलिए साथ में। ये तैयारी हो रही है। बनाओ बनाओ। हम लोग तैयार होके निकल दिए हैं, मम्मी आगे पहुंच गई हैं। सावनी मम्मी आइए, मम्मी खड़ी हैं वहाँ बाहर। हाँ सड़क पे जाके खड़ी हैं, आइए। हाँ तब आप आइए उनके साथ, हम लोग पैदल पैदल चल रहे हैं। ठीक अभी उनको कहीं है, ठीक है लेके आइए आप। हाँ मम्मी आगे आगे चल रही हैं, मैं सावनी और आंटी पीछे आ रही हैं। चलिए हाँ हाँ कल कल भी चला। भीड़ रहती है, गेट सजा है। ये हमारे शहर सुल्तानपुर का प्राचीन पारिजात का वृक्ष, जिसके दर्शन करने आज हम लोग आए हैं। तो जब हम लोग छोटे थे तो वृक्ष बहुत दुबला पतला हुआ करता था, लेकिन तब इसके किनारे किनारे चौकी नहीं बनी थी, तो लोग इसी पेड़ के ऊपर धागा बांधते थे, जिसकी वजह से मुझे लगता है मोटा नहीं होने पाता। आज कई सालों बाद आई तो देखे वृक्ष बहुत ज़्यादा विशाल काय हो गया है, और इसके किनारे किनारे चौकी बन गई थी, गेट लग गया था, अंदर अब कोई जाके पेड़ को छू नहीं पाता है। नहीं तो लोग पेड़ के ऊपर खुरश के अपना नाम लिख देते थे और उसी पे धागा बांधते थे। अब धागा किनारे किनारे लोग चौकी के किनारे किनारे बांधते हैं, जैसे पेड़ काफ़ी ग्रोथ कर गया है। अच्छा दर्शन करने के बाद हम लोग वापस लौटने लगे तो रास्ते में खिलौने की दुकान दिख गई थी, जो आंटी हम लोग के साथ आई थी। मम्मी ने उनकी नाती के लिए खिलौना खरीदा, क्योंकि वो नहीं आया था, आने वाला था, लेकिन आंटी उसको लेके नहीं आई कि परेशान करेगा, तो मम्मी ने उसके लिए खरीदी छोटी सी बत्तख। सब खरीदने के बाद फिर आज हम सबका व्रत था, तो मम्मी ने गन्ने का जूस पिलाया, और इत्तेफाक से गन्ने वाले के पास केवल 4 ही गिलास जूस बचा था, बाकी जूस ख़त्म हो चुका था। तो हम लोगों ने खड़े होकर जूस पिया। जूस पीने के बाद फिर हम लोग निकल दिए, जल्दी से मिल गया हम लोग को ई रिक्शा पर बैठे। ये देखिए यहाँ पे हम लोग गन्ने का जूस पी भी रहे हैं, थोड़ी सी क्लिपिंग मैंने ले ली थी। अच्छा ई रिक्शा में बैठने के बाद हम लोग आए। वापस लौटते समय रास्ते में जितने भी मंदिर पड़े, हर मंदिर में उतर उतर के हम लोगों ने दर्शन किया। मम्मी ने माला चलाई बैठ के। मम्मी कहती हैं कि जब कहीं दर्शन करने जाओ तो थोड़ी देर वहाँ पर बैठ जाना चाहिए, तुरंत आना नहीं चाहिए। तो मम्मी अगले मंदिर में बैठ के माला चलाई, मैं और सावनी वहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे, फिर आगे चले तो मोहल्ले वाला मंदिर, जहाँ पे मुझे जल चढ़ाना था, पहले नहीं चढ़ा पाई थी क्योंकि मम्मी और आंटी को देर हो रही थी पारिजात जाने के लिए। तो ये हुआ कि पहले पारिजात के दर्शन कर लेते हैं, फिर वापसी में जल चढ़ाएंगे। तो फिर यहाँ पे आ गए मैं और सावनी जल चढ़ाने के लिए। तो सावनी यहाँ पे मेरा वीडियो बना रही है। ये है मम्मी के मोहल्ले का मंदिर, जो कि नया नया बना है। यहाँ पे भगवान जी हैं, शिवलिंग है। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ाए। तो ऐसे रहा आज हम लोग का शिवरात्रि का दिन, ऐसे कुछ बीता। बीत चुका है, वीडियो पोस्ट करने में मुझे लेट हो गया है, एडिट नहीं कर पाई थी, तो आज आके मैंने एडिट किया, सोचा एडिट करके पोस्ट कर दूँ, नहीं तो फिर रह जाएगा। तो पहले मैंने भगवान जी के ऊपर से सारा फूल पत्ती हटाया है, उसके बाद फिर जब भगवान जी दिखने लगे हैं तब जल चढ़ाया है, भगवान जी मुझे दिख ही नहीं रहते। सावनी वीडियो बना रही है, मैं वीडियो में नहीं आ पा रही थी तो उसने मेरा वीडियो बना दिया कि मैं भी वीडियो में नज़र आ जाऊँ। दुल्हन आने वाली है यहाँ पे, इस वाले घर में दुल्हन कार आ गई है। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको जो शादी वाला घर दिखाया था, मम्मी के सामने वाला घर, तो आज आ रही है उसमें दुल्हन। दुल्हन आने की तैयारी हो रही, सब बहुत खुश हैं। दुल्हन की गाड़ी आ भी चुकी है और ये ढोल वाला हमारे गेट पे ढोल बजा रहा है। जब से आंटी के यहाँ शादी पड़ी है, ढोल वाले हमारे गेट पे ढोल बजाते हैं। तो और मैंने उससे कहा भी कि भैया अब मेरे गेट पे ढोल ना बजाओ, क्योंकि मेरे घर में तो कोई शादी होनी नहीं, क्योंकि हमारी दुल्हन आ चुकी है पिछले साल और इस बार इनकी दुल्हन आ रही है। तो सामने सामने घर होने की वजह से, जगह ना होने की वजह से ढोल हमारी दरवाजे बजती है। आंटी की बड़ी बेटी है जो अपनी भाभी की आने की खुशी में डांस कर रही हैं और हम लोग खड़े होकर इनके डांस को इंजॉय कर रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।